अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को 14 अगस्त और जश्न आज़ादी मुबारक। आज हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्लैशबैक लेंगे, 73 साल फ्लैशबैक कि पाकिस्तान ने इस 73 साल के अंदर कौन कौन सी कामयाबी समेटी और कौन कौन से दौर से पाकिस्तान गुजरा, मुलाहिजा फरमाते हैं। और आप लोगों से मजीद गुजारिश है कि हमारी वीडियो को काइंडली फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया प्रोफाइल समेत ग्रुप्स के पेजेस पर भी लाजमी शेयर कीजिए। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पर निसार कर दो। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पर निसार कर दो। जैसा कि आपने मुलाहिजा फरमाया पाकिस्तान की 73 साला दौर को कि पाकिस्तान ने इसमें कामयाबी भी समेटी, इसमें मुश्किल दौर भी देखे, इसमें हर घड़ी देखी पाकिस्तान ने। आप लोगों से सिर्फ इतनी ही गुजारिश है दोस्तों कि पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, पाकिस्तान का नाम बुलंद कीजिए और पाकिस्तान को एक अच्छे मुल्क की तरह उभारने की कोशिश कीजिए, ना कि पाकिस्तान को सिर्फ रेजोल्यूशन डे बनाकर आप बैठकर कोई पेपर पे दो लाइनें लिखें जिस पर आप अमल भी ना कर सकें। मैं अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में ये चीज़ें देखता हुआ आ रहा हूँ, मुझे पता है कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सच्चे नहीं रहे। आप आज कुछ ना कीजिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, नमाज़ों की तरकीब कीजिए और अपने आप से सिर्फ इतना वादा कर लीजिए कि हमें अब एक झूठी कौम बन के नहीं जीना,